बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय वैल्यूज। इस लेसन में हम इंटरव्यू के दौरान पूछे जाने वाले कॉमन सवालात के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी सीखेंगे कि इन सवालात के सही तरीके से जवाब कैसे दिए जाएं। एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू मस्ट हैव देयर आंसर्स प्रिपेयर्ड एंड परफेक्टेड। द फर्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन इज, कैन यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये सवाल बहुत आसान लगता है, लेकिन अक्सर कैंडिडेट्स इसका प्रॉपर जवाब नहीं दे पाते। दरअसल इस सवाल के जवाब में आपको अपने बारे में इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, लेकिन इतनी कम डिटेल भी ना हो जिसकी वजह से आपके रिक्रूटर को समझ ना आए। आपको चाहिए कि आप क्लियर और कंसाइज तरीके से जवाब दें, ताकि आपके और आपके इंटरव्यूअर के दरमियान एक कनेक्शन डिवेलप हो सके। इस सवाल का जवाब वाकई आसान है, और मेरी एडवाइस आपको ये है कि स्टार्ट विद प्रेजेंट, फॉलो विद द पास्ट एंड फिनिश विद द फ्यूचर। प्रेजेंट क्या है? वेयर यू आर राइट नाउ। फॉर द पास्ट, टच ऑन वेयर यू वर बिफोर एंड द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस यू गेन्ड। फॉर द फ्यूचर, शो हाउ एक्साइटेड एंड ईगर यू आर फॉर दिस न्यू अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम करंटली अ सेल्स इंटर्न एट एक्सेल इलेक्ट्रॉनिक्स, वेयर आई एम बींग मेंटर्ड बाय द हेड ऑफ सेल्स। बिफोर दैट आई वॉज स्टडिंग फॉर अ बिजनेस डिग्री एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एंड वर्किंग एट अ हक इलेक्ट्रॉनिक्स, वेयर आई डिवेलप्ड माई सेल्स स्किल्स। आई रियली एंजॉयड द सेल्स एस्पेक्ट ऑफ द सेल्स पोजिशन and now I would love to work in a corporate sales position and take on more responsibility, which is why I am so excited about this sales manager position. आपको अपना नाम, एज या ये बताने की जरूरत नहीं कि where you are from, वो already CV में मौजूद है। Don't waste time telling them irrelevant information that they already know. Next question is, how did you hear about this position? जब मुझसे पहली मरतबा ये सवाल पूछा गया तो मैं ये समझा कि ये इसलिए पूछा जा रहा है कि कंपनी को फीडबैक दी जा सके अबाउट देयर एडवर्टाइजमेंट्स, जबकि ये सवाल आपके इंटरेस्ट को जानने के लिए किया जाता है। ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है। अगर तो आप अच्छे से जवाब देने में कामयाब हो गए तो बहुत अच्छी बात है, बट इफ यू मेस इट अप, इट कैन सीम लाइक यू आर माइंडलेसली अप्लाइंग फॉर हंड्रेड्स ऑफ पोजीशंस। अगर आपको इस कंपनी के अंदर से किसी एम्प्लॉय ने इस वैकेंसी के बारे में बताया है तो आप उनका नाम भी ले सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि वो एक अच्छा रेफरेंस हो सकता है तो। बाय द वे, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो एम्प्लॉय जिसका आपने नाम लिया वो ये ना समझे कि आप उसको यूज कर रहे हैं। आप इस तरह कह सकते हैं, आई वॉज एक्साइटेड फाइंड आउट अबाउट द जॉब फ्रॉम माई फ्रेंड हु वर्क्स इन द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हियर। और अगर आपने वाकई इस कंपनी की वैकेंसी सर्च की है तो यू मस्ट एम्फेसाइज दैट, इट विल शो हाउ कीन यू आर टू वर्क एट दिस स्पेसिफिक कंपनी। ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी आर्टिकल, किसी इवेंट में या सोशल मीडिया पर इस वैकेंसी के बारे में पढ़ा हो, तो वो भी शेयर करना चाहिए ताकि आप में और कैंडिडेट्स में थोड़ा डिफरेंस लगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज ब्राउजिंग द इंडीड प्लेटफॉर्म एंड व्हेन आई सॉ द ऑफर फ्रॉम योर कंपनी आई वॉज रियली कीन टू अप्लाई। The job description and requirements matched my profile perfectly. But keep in mind, forgetting where you found the job is the mother of all mistakes. आपको अपने रिकॉर्ड के लिए एक सेपरेट डॉक्यूमेंट मेंटेन करना होगा, जिसमें आपको ये नोट करना होगा कि वो वैकेंसी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में आपको कहां से मालूम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर। ये एक अच्छा सवाल है जिसके जवाब में आप जाहिर कर सकते हैं कि आप कितना पैशनेट हैं अबाउट द कंपनी एंड द पोजीशन। यू नीड टू शो हाउ मच यू नो अबाउट द कंपनी, सो फॉर दिस क्वेश्चन रिसर्च इज द की। थोड़ा वक्त निकाल के कंपनी के बारे में सर्च करें कि हाउ इट स्टार्टेड, इट्स मोरल्स, इट्स क्लाइंट्स, इट्स प्रोजेक्ट्स, हाउ इट वर्क्स, एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अप्लाइंग एट एन एजुकेशनल चैरिटी, यू कुड से आई हैव ऑलवेज बीन पैशनेट अबाउट एजुकेशन and I have seen firsthand the work that you do. I have always wanted to be the part of it. I was especially impressed when I found out that your teams are so small. I originally thought that you would have so many employees due to sheer amount of work you do. I love working as a part of small team and seeing my work make a real impact is so rewarding. Iske saath saath aap apni skills aur experience ko bhi add kar sakte hain. आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब रिक्वायरमेंट्स के कुछ पार्ट्स अपने प्रोफाइल में भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पार्ट दैट रियली गॉट मी एक्साइटेड वॉज द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस। आई हैड टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस एट माई प्रीवियस रोल एंड दिस पोजिशन वुड गिव मी अ चांस टू प्रेजेंट अबाउट समथिंग आई एम इनक्रेडिबली पैशनेट अबाउट। एक और बहुत कॉमन और बहुत ही अहम सवाल पूछा जाता है,
What are your strengths? With this question, it's easy to say load of positive adjectives. लेकिन इंटरव्यूअर्स ने ये सारी बातें न जाने पहले कितने ही कैंडिडेट्स से सुन रखी होंगी. आई थिंक द बिग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज जस्टिफिकेशन. यू नीड टू जस्टिफाई ईच स्ट्रेंथ यू गिव एंड अप्लाई टू द जॉब रोल. फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी लॉजिकल एंड इन माई प्रीवियस पोजिशन आई मैनेज टू रीथिंक एन एंटायर डिलीवरी प्रोसेस, रिड्यूसिंग ईच डिलीवरी टाइम बाय 5 minutes. I communicated it to my boss and after a successful implementation, they still use my process today. या इस तरह की कोई और example का reference दें जो आपकी situation को suit कर सके. अगला सवाल है, आपका manager या boss आपके बारे में क्या राय रखते हैं? How would your boss describe you? So, first of all, the most important thing is be honest. Because if they really consider you for the job, the hiring manager will be calling your former bosses and co-workers. इसके जवाब में आपको चाहिए कि आप अपनी recent positive performance review का reference दें, जिसमें आपके boss ने आपके बारे में कोई अच्छे remarks दिए हों, with specific proofs and references. Because this makes it easier to describe yourself as trustworthy, dedicated and creative, without feeling like you are boasting. Next सवाल भी बड़ा interesting है. Where do you see yourself in 5 years time? ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, क्योंकि आप जो सोच और कह रहे होते हैं वो अक्सर उस जॉब या पोजीशन में अवेलेबल ही नहीं होता. लिहाजा आपको रियलिस्टिक होना होगा. यू नीड टू थिंक अबाउट वेयर दिस पोजीशन कुड टेक यू एंड कंसीडर हाउ दैट अलाइंस विद सम ऑफ योर ब्रॉडर प्रोफेशनल गोल्स. फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं, आई वुड लाइक टू बी सीन एज समवन विद एक्सपर्टीज इन एनर्जी सेक्टर, विच इज समथिंग दैट आई नो आई विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डू हियर. I am also really excited to take on more managerial responsibilities in next few years and potentially even take the lead on some projects. ये तो कुछ आसान सवालात थे और उनके आइडियल जवाबात. अब कुछ मुश्किल सवालों की तरफ आते हैं. What is your biggest weakness? और आपका जवाब होना चाहिए चॉकलेट. बहरहाल मजाक कर रहा हूं. और बाय द वे, इंटरव्यू को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको भी थोड़ा बहुत मजाक करना चाहिए. अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तब. इस सवाल का जवाब कुछ भी हो, पूछने वाले का मकसद ये होता है कि आपकी अपने बारे में क्या अप्रोच है. मैंने अक्सर इंटरव्यूज के दौरान कैंडिडेट से सुना, आई डोंट हैव एनी वीकनेस. फ्रेंकली स्पीकिंग, ये जवाब एरोगेंट बंदा ही दे सकता है. याद रखें, नो वन वांट्स टू हैव समवन डिल्यूडेड और एरोगेंट इन द ऑफिस. अक्सर लोग जवाब में कहते हैं, आई कांट मीट डेडलाइंस और आई हैव अ टेंपर. तो ये जवाब भी गलत है, क्योंकि लोग लायबिलिटीज नहीं पालना चाहते. आई एम अ परफेक्शनिस्ट, एवरीवन सेज इट एंड नोबॉडी बिलीव्स इट एनीमोर. झूठ नहीं बोलना चाहिए, खास तौर पे अपने बारे में. बेसिकली इस सवाल के जरिए एम्प्लॉयर्स ये भी जानना चाहते हैं कि आपका कौन सा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, ताकि अगर वो आपको जॉब ऑफर करें तो उस एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट पे काम किया जा सके. आपको कुछ इस तरह से जवाब देना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, In my previous role, I could have been better at delegating tasks or I have never felt completely comfortable talking to large audience. It is something that I am actively working on. I still get nervous, but I can handle it and I don't feel like it holds me back. Next hai ji, what are your salary requirements? Ye bada horrible sawal hai jo ki aapko ek awkward situation mein le jata hai. But you need to be ready for it. मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स देखनी होंगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक आप फाइनेंशियली रिलैक्स नहीं होंगे तब तक आप 100% परफॉर्म नहीं कर पाते. अगर आप कंपनी की सैलरी पैकेज की डिटेल्स ले सकते हैं तो आपका काम आसान हो सकता है. बहरहाल, आपको एक ऑनेस्ट और रीजनेबल जवाब देना चाहिए और इंटरव्यूअर को ये लगे कि आप फ्लेक्सिबल हो और आपकी डिमांड नेगोशिएबल है. But if you walk into an interview without a clear idea of what you want to be paid, then you are going in unprepared. So make sure you think about this question in advance. Ek aur bada ahem sawal jo ki aksar interview ke end mein pucha jata hai, do you have any questions for us? Aapne interview ke duran aankhein band karke sawalon ke jawab hi nahi dene, balki you also need to use it to see if the company is a good fit for you. You absolutely need to go into any interview with a handful of questions and also try to develop some questions throughout the interview itself. Aap kuch is tarah se pooch sakte hain, what projects are the team working on at the moment? What sort of budget would I be working with?
Is this a brand new role? How would I be trained? What's the performance review process like? ये बहुत अहम सवाल है और मेरा फेवरेट भी। आप इंटरव्यूअर से ये भी पूछ सकते हैं, सर, what's your favorite part about working here? Who would I be reporting to? What's the company culture like? What is the next step in the interview process? तो ये और इस तरह के मिलते जुलते तमाम सवालात आप एक पॉजिटिव वे में कर सकते हैं। आपकी सीवी में अगर गैप्स हैं, तो आपको एक और मुश्किल सवाल का सामना करना पड़ सकता है। Why was there a gap in your employment? This is a hard question, but you can understand why an interviewer would want to ask it. It definitely raises a red flag for them. इस सवाल का जवाब बगैर honest हुए आप दे ही नहीं सकते। So be honest. अपने employment period को artificially extend करके gaps खत्म ना करें। हो सकता है interviewer आपके previous employers या employees को call करके आपकी feedback लें। मेरी एडवाइस ये है कि बेहतर है कि आप ज्यादा डिटेल में ना जाएं, बिकॉज इंटरव्यूअर्स डोंट वांट टू नो द डिटेल्स ऑफ योर पर्सनल प्रॉब्लम्स। ऑफर देम अ सिंपल एक्सप्लेनेशन, डोंट बी टू मिस्टीरियस, जस्ट से वन और टू सेंटेंसेस अबाउट व्हाई यू टुक टाइम ऑफ एंड व्हाट यू डिड। कोशिश करें कि उन स्किल्स की बात करें जिन्हें आपने फारिग वक्त में डिवेलप किया, एंड एम्फेसाइज दैट यू नाउ वांट टू वर्क अगेन। बी कॉन्फिडेंट, डोंट डाउनप्ले व्हाट यू अचीव्ड, और ज्यादा एम्बेरस होने की कोई जरूरत नहीं। ट्राई एंड मूव द कन्वर्सेशन जेंटली ऑन। मेरी लिस्ट में आखिरी और बहुत अहम सवाल है, व्हाई आर यू लीविंग योर करंट जॉब, और इवन मोर डिफिकल्ट टू आंसर, व्हाई वर यू फायर्ड। दिस क्वेश्चन इज मोर अबाउट व्हाट नॉट टू से। और मेरी एडवाइस है, नेवर बैड माउथ योर बॉस, स्पेशली इफ यू आर फायर्ड। ये आपके इंटरव्यू पर बहुत बुरा असर डालेगा। और सैलरी के कम होने की बात भी ना करें, क्योंकि हो सकता है आपका इंटरव्यूअर ये समझे कि मनी इज द ओनली थिंग यू केयर अबाउट। बल्कि इस तरह जवाब दें, आई डोंट फील लाइक देयर वाज अपॉर्चुनिटी टू ग्रो और एडवांस फर्दर इन दैट रोल, सो आई डिसाइडेड अ चेंज वुड बी बेस्ट फॉर माय करियर। इनके अलावा और सवालात भी हो सकते हैं। बहरहाल आपको चाहिए कि हर इंटरव्यू से पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करें। गुड लक एंड सी यू सून विद अनदर लेसन। अल्लाह हाफिज़।